तो फाइनली जी आज वो दिन आ गया जिसका मुझे काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। और वो यो दिन ये है कि आज मुझे मिलने वाली है अपनी फर्स्ट सैलरी। जी हाँ जी, यूके में आने के बाद मेरी मेहनत का पहला फल आज मुझे मिलेगा। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। पाकिस्तान में भी जब मैं जॉब करता था तो पहली सैलरी मिली थी तो काफ़ी खुशी हुई थी, और यूके में इसलिए ज़्यादा खुशी हो रही है कि यूके आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है और आखिर में उसका सिला भी मिल रहा है। तो बहुत एक्साइटेड हूँ, कांट वेट। मैं आपको दिखाऊंगा भी कितने मिले हैं। और ये आप सबके लिए एक पॉजिटिव थिंग भी है कि जब आप यूके में आते हैं, जब आप अर्निंग स्टार्ट करते हैं तो आपका दिल लग जाता है, आप यहाँ सेटल हो जाते हो। वरना स्टार्ट में तो इंसान का दिल जो है वो बहुत डेस्परेट हो जाता है बंदा, और बंदे का दिल भी नहीं लगता। तो ये एक खुशी होती है जो आपको यहाँ यूके में सेटल होने के लिए हेल्प करती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक काम, जो उसके सिलसिले में मैं जा रहा हूँ अभी, तो वो काम पहले करते हैं तो फिर घर वापस आके मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी सैलरी कितनी आई है। और एक और बात आप सबको इसी के साथ बताऊँ कि आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो अगर आप एक वीक, 7 दिन होते हैं, 5 दिन अगर आप अच्छे हाउस के साथ काम करो किसी अच्छे कंपनी के साथ या किसी अच्छे शॉप पे, तो आपकी अर्निंग काफ़ी अच्छी हो सकती है। ये मैं आपको एक पॉजिटिव थिंग बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे आके जो है वो अपसेट हो जाते हैं कि जी क्या होगा, कितने मिलेंगे, फीस देनी है, घर भी भेजने हैं, अपना भी खर्चा निकालना है। तो ये सारा एक स्टूडेंट के जहन में, आई कैन अंडरस्टैंड, ये सब कुछ प्रोसेस वो उसके जहन में घूम रहा होता है। लेकिन मैं आपको ये एक बता रहा हूँ कि ये एक पॉजिटिव थिंग है कि यहाँ पे आप अच्छा अर्न कर सकते हो अगर आप एक वीक में अच्छी मेहनत करो, अच्छी जॉब करो तो। और मंथली तो मैं कहता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा अर्न कर सकते हो। तो फाइनली एक महीना फ्री रहने के बाद मुझे जॉब मिली थी। पूरा एक महीना मैं फ्री रहा हूँ, कोई जॉब वगैरह नहीं मैंने की, ढूंढ ढूंढ रहा था लेकिन मिल नहीं रही थी। फिर जब मिली तो उसके देखे अभी वीक बाद ही सैलरी आ गई है, तो जिसकी बहुत खुशी है। यहाँ पे सारे स्टूडेंट यहाँ आके स्ट्रगल करते हैं जॉब ढूंढने में, उनको जॉब नहीं मिलती। तो जब जॉब आपको मिलती है, अब आप मेहनत करते हो तो आप उसका फल भी आपको मिलता है। सो आप सबने घबराना नहीं है। ये मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ कि मैं आप सबको बताऊँ कि परेशानी की कोई बात नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है आपने। जब दिल छोड़ जाएंगे तो मसला हो जाएगा। यहाँ पे आप आके दिल नहीं छोड़ना। अगर आपको महीना 2 महीना भी फ्री रहना पड़ता है कोई मसला नहीं, दिल छोटा नहीं करना, आपको आपका फल मिलेगा। आप जो वो 2 फ्री मंथ बैठे हो वो आप कवर कर सकते हो, वो आप अपने एक महीने में कवर कर सकते हो अगर आप मेहनत करने वाले इंसान हो, मेहनत करना आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे आके अर्निंग भी कर सकते हो, इंजॉय भी कर सकते हो, और सब कुछ अपना बैलेंस कर सकते हो। अभी मैं आ गया हूँ जहाँ पे मैंने एक काम जाना था, तो वहाँ मैं जाने लगा हूँ। काम के फ्री होने के बाद मैं आपसे दोबारा जो है वो बात करता हूँ। सो फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो अभी मैं यार आया हूँ डोमिनोज़ पे, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं डोमिनोज़ है। यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी पोजीशन की जॉब मिल रही है शिफ्ट मैनेजर की, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरा आज इंटरव्यू है तो मैंने सोचा आपको बता ही दूँ कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, जो भी बंदा आएगा मेरा इंटरव्यू लेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, अभी मुझे उन्होंने फॉर्म दिया है फिल करने के लिए, इग्नोर माई राइटिंग प्लीज़। तो ये मैं फॉर्म वगैरह फिल कर रहा हूँ, तो ये फिल हो गया है, अभी मैं इसको सबमिट करवाता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। फॉर्म वगैरह मैंने फिल कर दिया है, सब कुछ डिटेल वगैरह दे दी हैं। राइटिंग मेरी बहुत गंदी है, सारे रेफरेंसेस वगैरह लिख लिए हैं, अब देखते हैं अब नेक्स्ट क्या होता है। सो ब्रदर एंड सिस्टर्स, द गुड न्यूज़ इज़
दे हैव डोमिनोज वाले हैव अप्रूव्ड माई एप्लीकेशन फॉर द शिफ्ट मैनेजर। अल्हम्दुलिल्लाह, दो दो खुशियाँ। आई कॉन्ट बिलीव यार, पहले सैलरी मिली है, फिर अब नाउ हियर अनदर जॉब विच आई विल बी डूइंग ऑन माई NI नंबर। सो आज का दिन तो मैं कहता हूँ मेरे लिए बहुत ही लकी साबित हुआ है। आई एम सो हैप्पी। तो इंशाल्लाह एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर मी एंड फॉर यू दोज हु आर वॉचिंग माई वीडियो, फॉर यू एज वेल। सो डोंट लूज होप। आफ्टर 1 month विदाउट एनी जॉब आई फाइनली गॉट वन एंड द गुड वन। सो आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने मेहनत करनी है, यहाँ पे आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। अभी मैं यहाँ पे अंदर गया, उन्होंने काफ़ी मेरे से पूछ गछ की है, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कैन किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, मुझे सारी डिटेल्स उन्होंने बताई हैं, शिफ्ट का वो कहते हैं कि आपको वी लेट यू नो। और मज़े की बात ये है कि जॉब बहुत ही नज़दीक मिली है। ये समझ लें कि मुझे कोई 1-2 मिनट लगने हैं और मैंने अपने डोमिनोज पे पहुंचाना है। साथ ही रहता हूँ इधर विदन शाह में, और साथ ही डोमिनोज की ब्रांच है, कोई मुझे ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। पहले मैं जिधर जॉब करता था अब तो वहाँ पे मुझे जाना पड़ता था लाइक ऑन ट्रैवल करके बस पे, तो यहाँ पे अब नो एक्सपेंस, वो भी पैसे बच जाएंगे। सो इट्स गुड टू फाइंड जॉब नियर योर एरिया। अल्हम्दुलिल्लाह यार, मैं आई जस्ट कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है, जस्ट आई कांट एक्सप्लेन। अच्छा, बाहरी एक छोटा सा काम रह गया है, वो जाना है अभी एक अजदाबे, वहाँ से ड्रिंक्स उठानी है। अभी घर से मैसेज आया है कि घर में ड्रिंक्स ख़त्म हो गई हैं, वो ले आना। तो अभी वहाँ जाता हूँ, फिर घर जाता हूँ और आपको अपनी सैलरी बताता हूँ कि मुझे कितनी मिली है। तो अभी अजदा पे जाते हैं, वहाँ से कैंस बॉटल के कोको कोला आई थिंक बोला है उन्होंने, और स्प्राइट आई डोंट नो, मैं से चेक कर लेता हूँ। तो वो कैन लेके फिर जाते हैं घर, फिर मैं आपको आगे अपनी सैलरी दिखाता हूँ। अभी मैं आया हूँ यहाँ पे विदन शाह टाउन सेंटर, यहाँ पे आपको हर खाने पीने की चीज़ लाइक अशियाए ज़रूरत आपको यहाँ से मिल जाती हैं इजीली। ये फार्म फूड्स, हर किस्म की ये स्टॉल्स पैक्स वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। दिस इज विदन शाह टाउन सेंटर। अभी यार स्टोर पे आया हूँ लेकिन मुझे ड्रिंक्स नहीं मिल रही यार, ये यहाँ बड़ा मसला है, आपको ड्रिंक्स नहीं मिलती। तो कौन सा सेक्शन होगा ड्रिंक्स का, यहाँ से अब पूछना पड़ेगा किसी से कि वेयर इज़ द ड्रिंक सेक्शन, आई डोंट नो। ओ हियर दे आर, ये मिल दो तो गई हैं, यहाँ पे नज़र तो आया। Pepsi cans, where the Sprite ones? Wait. Okay, जी अभी हमने बॉटल्स ली हैं, तो ये बना है ऑलमोस्ट 4 pounds and 60 pence अजदा से, ये बैग में, बैग के भी उन्होंने थोड़े से चार्ज किए हैं। सो अभी मैं घर जाता हूँ और घर जाके आप फाइनली आपका वेट ख़त्म करता हूँ, आपको बताता हूँ कि कितनी जो है वो सैलरी मुझे मिली है। आज सारा दिन बिज़ी था, इधर आया पहले अपॉइंटमेंट के लिए, उसके बाद अब घर जाऊंगा, फिर खाना खाएंगे, वेट देन स्लीप एंड रिपीट। ओके, फिर मिलते हैं आपको घर जाके। तो अभी जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये मेरी सैलरी है जो मुझे 1 week की मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुशी हो रही है मुझे, ये पूरे 1 week की मेरी सैलरी आप देख सकते हैं। तो जब आप मेहनत करो तो यहाँ पे आपको उसका फल भी मिलता है, ये मैं आपको बात बता दूँ। तो जो मुझे सैलरी मिली है वो रही ये, मैं आपको लोगों को बताऊँगा नहीं कि कितनी मिली है,
जस्ट मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि ये एक वीक की मुझे कितनी सैलरी मिली है। ये मेरी एक वीक की अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग है, तो काफ़ी खुशी हो रही है पहली सैलरी हाथ में देख के, और काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ। जब आपके हाथ में सैलरी भी आती है तो आप और खुश हो जाते हैं, फिर आपका और इधर दिल लग जाता है। तो ये रही मेरी पहली सैलरी। अब आप काउंट कर सकते हैं ये कितने 10-10 के नोट हैं और कितने 20-20 के नोट हैं। तो ये मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक वीक की सैलरी है। एक वीक मैंने काम किया, पूरे एक वीक काम नहीं किया, सिर्फ 5 या 6 दिन मैंने काम किया है, और ये मुझे मेरी सैलरी मिली है एक वीक।